भाइयों बहनों त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले 24 वर्षों से त्रिपुरा की जनता को विकास से बाधित करने वाली, भ्रष्टाचार की प्रतीक, यहाँ के गरीबों, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अन्याय करने वाली, यहाँ के कर्मचारियों को उनका हक से वंचित रखने वाली इस वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो विकास और सुशासन पर विश्वास करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत की सरकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है, उसी तर्ज पर त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आपके हितों के लिए, विकास और सुशासन के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आपके बीच में आई है। मुझे आश्चर्य होता है कि त्रिपुरा की वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार मनरेगा के जो 1500 करोड़ रुपए भारत सरकार की ओर से गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिए जाते हैं, उसमें भी अपने कैडर को बंदर बांट करके त्रिपुरा जैसे स्टेट को विकास से वंचित कर रही है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनने के बाद अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई। स्टैंडअप की योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 करोड़ तक का लोन बैंकों से आसान किस्तों पर दिलाने की बात हो, या स्टार्टअप के माध्यम से हमारे यूथ को नए तरीके से प्रत्येक गांव और प्रत्येक कस्बे में स्टार्टअप प्रारंभ करने का हो, या प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का मामला हो, यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं कि त्रिपुरा में विकास और सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। मोदी जी के द्वारा त्रिपुरा के विकास के लिए दिए जाने वाले 1-1 पैसे का उपयोग त्रिपुरा में हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की माताओं और बहनों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए विकास की योजनाएं बने, रोजगार की योजनाएं बने, महिलाओं और यहाँ के प्रत्येक व्यापारी और नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसी आह्वान के लिए आज मैं स्वयं भी उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि त्रिपुरा की वर्तमान वामपंथी सरकार नारा तो देती है, लेकिन यह तो अभी अपने कर्मचारियों को फोर्थ पे कमीशन भी नहीं दे पाई है। उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 22 करोड़ की है, लेकिन हम अपने प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को 7th पे कमीशन उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों ने गरीब और किसानों के लिए जो योजनाएं वहां बनाई है, नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप में जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का अगर हम लागू करते तो त्रिपुरा का
युवा पलायन नहीं करता, त्रिपुरा में उसके गांव, उसके शहर और उसके जनपद में उसको रोजगार उपलब्ध होता, लेकिन वामपंथी केवल अपने कैडर को शासन की योजनाओं में डकैती डालने की पूरी छूट दे रखे हैं, और इसका कारण है आम जन उससे वंचित है। भारतीय जनता पार्टी का 550 से अधिक कार्यकर्ताओं पर पिछले 1.5 वर्षों में हमले हुए, 11 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई। ये त्रिपुरा में अराजकता और गुंडा राज को उदाहरण प्रस्तुत करता है, और इसलिए आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि आपको सुरक्षा प्रदान करने वाली और विकास और सुशासन पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर चुनाव जिता करके आप भेजे। भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा, विकास और सुशासन की गारंटी देती है, यही हमारा ধর্মরাজ মহারাজ ধর্মরাজ।